हाय गाइस, तो यार हमारे पास यहाँ पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ी मेजर अपडेट निकल के आई है। जब आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पे एक फोर्थ अटेम्प्ट दिखाएगा जिसकी लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट 10 जून है। ऑल दो पूरी वेबसाइट में किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको फोर्थ अटेम्प्ट का जिक्र नहीं मिलेगा, पर फॉर्म फिलिंग में 10 जून आपका दिखा रहा है लास्ट डेट। एग्जाम डेट नहीं आई है, पर हमें पता है फॉर्म के आखिरी डेट के एक हफ्ते के अंदर अंदर एग्जाम हो जाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 जून तक आपका फोर्थ अटेम्प्ट का एग्जाम होगा। तो यानी बोर्ड्स के बाद आपको ये अटेम्प्ट मिल रहा है। अब मेरे पास कई बच्चे आके कहते हैं, भैया मैंने सुना है, मैंने कहीं से पढ़ा है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के ना आखिरी अटेम्प्ट्स तक आते आते एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलता बैंगलोर कैंपस में। देखो यार, लास्ट ईयर ना हमारे 128 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, अभी तक 100 बच्चे हो चुके हैं 2 अटेम्प्ट्स में। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से, हर अटेम्प्ट में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मैं ये चीज़ डिनाई नहीं कर रहा कि हाँ आखिरी के अटेम्प्ट्स में कंपटीशन बढ़ता नहीं है, पर बैंगलोर कैंपस आपको मिल सकता है फोर्थ अटेम्प्ट में 100% अगर आप ठीक तरीके से पढ़ो और ठीक तरीके से चीज़ें फॉलो करो। हमारा कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, जैसे करना है करो, पर आपको फॉर्म भरना है अगर आपका बजट है और आपका एडमिशन होगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। और यार क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर ऐसे नए अटेम्प्ट निकालते मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 5th या 6th अटेम्प्ट तक कर दिए थे, पर मुझे इस साल ऐसा लग नहीं रहा कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि बोर्ड्स के बाद आने वाला ये एक अटेम्प्ट है, तो आप इसको फाइनल अटेम्प्ट ही मान के चलना। अगर एक और आ जाए तो बहुत बढ़िया, पर ये फोर्थ अटेम्प्ट फाइनल मान के चलना। सीरियसली प्रिपेयर करो, अगर आपको अभी तक बैंगलोर नहीं मिला, थर्ड में भी नहीं मिलता है, तो इसके लिए अच्छे से ट्राई करो, बिकॉज ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको आप ड्रॉप नहीं करना चाहोगे।